वैसे आप सभी बहुत आज से अच्छे होंगे। दोस्तों गिरते हुए कंपनी को उसके एड ने बचा लिया। कैसे? अगर लाइफ में आपको कभी भी चोट लगती है तो माय गॉड ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेटॉल के बारे में। डेटॉल का एक कॉम्पिटिटर ब्रांड सेवलॉन मार्केट में एंटर करता है। अब सेवलॉन के कुछ प्लस पॉइंट्स ये रहते हैं कि सेवलॉन डेटॉल की तरह लगाने पर जलता नहीं था। दूसरा, सेवलॉन मार्केट में नया था। तीसरा, इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग काफी हद तक डेटॉल के कंपैरिजन में बेटर दिखाई दे रही थी और काफी सारी चीजों में डेटॉल से बेटर दिखाई दे रहा था सेवलॉन। अब धीरे धीरे डेटॉल का मार्केट डिप्लीट होने लगा। आफ्टर दैट डेटॉल वाले ने सोचा कि भाई इसके लिए क्या करें क्या करें। देन दे डिसाइडेड कि क्यों ना हम लोग इंडियन माइंडसेट के इंटरनल कोर में एंटर कर जाते हैं। फिर वो लोग एक मार्केटिंग कैंपेन क्राफ्ट करते हैं। अच्छा चीज बताइएगा, कभी भी आप जब भी दवाई के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में क्या बातें आती हैं? दो बातें आती होंगी। पहली बात यह आती होगी कड़वी होगी और दूसरी बात फीका होगा, टेस्ट नहीं होगा। लेकिन एक और बात जो कि हमारे माँ बाप हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं वो ये कि जो चीज जितनी ज्यादा कड़वी होगी वो चीज उतनी ज्यादा अच्छी होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सिंपल एज दैट, डेटॉल ने भी इसी चीज को अपने एड में अपनाया। अगर तुम चोट लगने पर कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाते हो तो चलेगा तभी चलेगा, और चलेगा तभी चलेगा कि जिंगल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, पोस्टर हैवली मार्केट किया डेटॉल में। इन दिस केस अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट में चेंज लाते हैं, अपने बिजनेस में चेंज लाते हैं या कुछ इनोवेशन करते हैं। पर डेटॉल ने क्या कहा कि हम भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, केवल एक चीज में चेंज लाएंगे और वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में चेंज लाया और ये कम्युनिकेशन आज तक डेटॉल का ऐसा कम्युनिकेशन बन गया जिसकी वजह से डेटॉल के आसपास आज तक कोई भी ब्रांड नहीं बिठाता। तो दोस्तों होप ये सारी बातें आप समझ में आ गई होंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।